Today we are going to start new chapter, session number 1 of chapter number 11, construction. So, इस chapter में तीन different types of construction हैं. One is division of line segment in particular given ratio, and the other second one is construction of similar triangle, and the third one is construction of tangent. Second वाला जो है, इस academic year के लिए delete हो चुका है, but I feel you do that one also. उसके बाद एग्जाम के लिए भले प्रिपेयर नहीं करना. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कंस्ट्रक्शन फॉर द डिवीजन ऑफ ए लाइन. ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जांपल. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 2:3. ओके, सो वी विल स्टार्ट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. पहले हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे. मैं साथ में साइड में समझाते भी रहता हूँ. वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. ओके, 7 सेंटीमीटर. उसके बाद एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे. दिस इज ए बी. देन वी विल ड्रॉ वन एक्यूट एंगल. दिस इज एन एक्यूट एंगल. ओके, एंड सम ऑफ रेशियो इज 5. दैट इज व्हाई वी विल डिवाइड ए एक्स, दिस इज ए एक्स, इन टू 5 इक्वल पार्ट्स. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, दिस इज ए वन एंड दिस इज ए टू एंड दिस इज ए थ्री एंड दिस इज ए फोर एंड दिस इज ए फाइव. उसके बाद वी विल जॉइन द जॉइन बी टू ए फाइव. ठीक है, ए फाइव को मैं जॉइन कर रहा हूँ. बी ए फाइव एक रफ फिगर है ये, फिर उसके बाद मैं करके बताऊंगा. सो जॉइन बी ए फाइव. ओके, सो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव तक जॉइन किए, उसके बाद बी ए फाइव को जॉइन किए. नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो इज 2. सो दैट इज वाई 2 से हम लोग को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन, व्हाट वी हैव टू डू, विद सेंटर ए फाइव वी हैव टू ड्रॉ वन आर्क. एक आर्क ड्रॉ करना है यहाँ पर. ठीक है, और वही सेम रेडियस का आर्क इस सेंटर से करना है, ए टू से ड्रॉ करेंगे. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू मेजर दिस आर्क एंड यू हैव टू कट हियर फ्रॉम दिस टू दिस. देन यू हैव टू जॉइन. जब ज्वाइन करेंगे तो एम पॉइंट जो रहेगा वो डिवाइड करेगा ए बी को 2:3 रेशियो में. सो कंस्ट्रक्शन ये समझ में तो आ गया ना क्या करना है सर? तो नीचे क्यों लिया सर, ऊपर नहीं ले सकते? ऊपर नहीं कर सकते हो? यूजुअली हम लोग नीचे साइड ही ड्रॉ करते हैं, ऊपर साइड भी कर सकते हो सर. ए फाइव से सर्कल का रेडियस कितना है सर? वो आर्क बनाया ना सर. Any convenient radius you can draw. You can draw smaller also. छोटा भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो. Okay? Okay? We will draw a line. AB is equals to 7 centimeter. Okay? फिर उसके बाद हम लोग क्या किए थे? We have drawn one acute angle. Okay? Draw. उसके बाद the sum of the ratio is 2:3. The sum of the ratio is 2:3. So what we will do, we have to divide the 5 equal parts. So let us start the division. So हम लोग compass use करेंगे divide करने के लिए. A1, the next is A2, the next is A3, okay? उसके बाद A4, and the last one is A5. After that we have to join B A5, okay? So हम लोग ये दोनों को join करेंगे. राइट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए टू से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. सो व्हाट वी विल डू, विद सेंटर ए फाइव वी हैव टू ड्रॉ वन आर्क ऑफ एनी कन्वीनियंट रेडियस. ओके, सो ड्रॉ कर रहे हैं और ए टू से वही रेडियस का आर्क ड्रॉ करना है. फिर उसके बाद ये वाला मेजर करना है. मेजर करने के बाद सेम यही वाला आर्क यहाँ से हम लोग कट करेंगे. ओके, नाउ आफ्टर cutting this one, after cutting this one, now what we have to do, we have to join these two. So when we will join these two,
वी विल गेट अ पॉइंट एम. सो पॉइंट एम डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3. एनी डाउट सर? सर जैसे 2:3 है सर, तो A5 तक लिए सर. अभी 2:4 है तो A6 6 तक लेना है, A6 तक लेना है. अगर 3:5 है तो 8 तक लेना है. सम ऑफ रेशियो जितना आ रहा है उतना इक्वल पार्ट्स करना है. ओके अगर 3:4 है तो 7 इक्वल पार्ट्स. क्लियर? क्लियर सर. ओके फाइन. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, ऑल्टरनेटिव मेथड. अब मैं एक ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन, वन मोर ऑल्टरनेट मेथड इज देयर. सो ध्यान से देखो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वन. वॉट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ वन लाइन सेगमेंट और एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे. ध्यान से देखो, मैं इसको एनिमेशन में करके भी दिखलाऊंगा. वी विल ड्रॉ वन एक्यूट एंगल, एनी कन्वीनियंट, यू कैन ड्रॉ 60 ऑल्सो. ओके तो सेम यही वाला एंगल क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है. वी हैव टू ड्रॉ हियर सेम एक्यूट एंगल. अभी तो मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ. उसके बाद द रेशियो इज 2:3. सो यहाँ पे दो है तो दो इक्वल पार्ट्स, 1, 2. सो दिस इज A1, A2. एंड द सेकेंड साइड इज 3. सेम आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3. तो ये B3 होगा. उसके बाद क्या करना है, A2 और B3 को ज्वाइन करना है. सो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा M. सो दिस इज द अनदर मेथड. सो आई विल शो यू दिस वन ऑल्सो. सो ध्यान से देखो ये वाला डायग्राम. फर्स्ट हम लोग ए बी को ज्वाइन किए 7 सेंटीमीटर, फिर एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किए. यू कैन ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल एज पर योर कन्वीनियंट, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री ऑल्सो. द सेम एंगल यू हैव टू ड्रॉ हियर. जो एंगल यहाँ बना रहे हैं वो यहीं पे, यहाँ पे भी बनाना है. अब हम लोग का 2:3 है तो यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स और यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स. अगर मान लो 3:2 रहता अगर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं और यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स. ये इक्वल पार्ट्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर. ओके सो लास्ट वाले को फिर ज्वाइन करना है. ओके सो ये वाला भी मैं थोड़ा ध्यान से देखो. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ओके ड्रॉ कर दिए. उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाना है. सो मैं 60 डिग्री बना रहा हूँ, 60 डिग्री विद सेम रेडियस वी हैव टू कट. ओके और यही वाला एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है 60 डिग्री. ओके सो ये वाला ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को यहां पर भी मिल गया. नाउ 2:3 है तो यहां पे क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स और इस साइड में 3 इक्वल पार्ट्स, 1, 2. नाउ फ्रॉम हियर 3 इक्वल पार्ट्स, 1, 2 एंड वन मोर B3. ठीक है, B3 ज्वाइन करने के बाद हम लोग फिर लास्ट दोनों को ज्वाइन करेंगे, दैट इज A2 एंड B3. सो दिस इज B3. सो B3 एंड A2 वी हैव टू ज्वाइन आफ्टर दैट. सो इट विल इंटरसेक्ट द लाइन ए बी एट पॉइंट M. सो AM:MB इज इक्वल टू 2:3. एनी डाउट हियर? नो सर. ओके so we'll continue with the another example. hum log ek kaam karte hain, exercise ke question lete hain. first question of the exercise is the same similar question. so we'll start the exercise 11.1. draw a line segment of length 7.6 cm, divide it in the ratio 5:8. so how many equal parts you have to do? So 13. Right. So measure the two parts. So first of all, we have to draw a one line segment AB. उसके बाद एक acute angle draw करेंगे. उसमें 13 equal parts divide करना है. So A1, A2, A3 up to A13 divide कर दिया. So last जो point है, we have to join to B. B से join करना है.
सर वो इक्वल पार्ट्स का लेंथ कोई भी कुछ भी हो सकता है सर। या कन्वीनियंट लेना है, यू कैन टेक 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5, ओके। ओके सो यहाँ तक किसी को डाउट है? जो लास्ट वाला पॉइंट है बी को ज्वाइन किए, अभी फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो इज 5, सो 5 से हम लोग को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से। सो क्या करेंगे, दोनों साइड दोनों आर्क ड्रॉ करेंगे विद सेंटर A13 एंड A5, सेम रेडियस के आर्क। सो ड्रॉ कर दिए, फिर इसको मेजर करके यहाँ से कट करेंगे। नाउ वी विल ज्वाइन दिस टू, इट विल इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट C, ओके। सो क्या क्या किए देखो, सबसे पहले हम लोग AB इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर ड्रॉ किए, देन एक्यूट एंगल एक ड्रॉ किए, देन 13 इक्वल पार्ट्स हम लोग लोकेट किए यहाँ पर A1 A2 अप टू A13, सच दैट A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 सो ऑन अप टू A12 A13, ओके। उसके बाद हम लोग ये दोनों को ज्वाइन किए B A13 को, देन थ्रू A5 वी हैव ड्रॉन ऑन पैरेलल पैरेलल टू B A13 या A13 B, ओके, इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट C। AC इज टू CB इज द रिक्वायर्ड रेशियो 5:8। सो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी विल ड्रॉ वन लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर, फिर हम लोग एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, ओके। एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के बाद वी हैव टू कट हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, टोटल 13। सो विल स्टार्ट विद A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, एंड A12 एंड लास्ट A13। सो 13 होने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू ज्वाइन A13 टू B, ठीक है, B और A13 को ज्वाइन करेंगे हम लोग। ज्वाइन कर दिए, नाउ A13 और A5 पे दो आर्क ड्रॉ करना है हम लोग को। सो फर्स्ट आर्क, फिर यहां से सेकेंड आर्क, उसके बाद ये वाला आर्क मेजर कर रहे हैं, देखो ध्यान से, आर्क मेजर कर लिए एंड द सेम आर्क वी हैव टू कट फ्रॉम हियर, ओके। उसके बाद फिर A5 से ज्वाइन करना है, सो इट विल इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट M, सो AM इज टू MB इज द रिक्वायर्ड रेशियो 5:8। एनी डाउट? नो सर। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन ऑनवर्ड 11.1 में कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, एग्जाम के लिए छोड़ देना है वो, बट अभी फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। सो लाइन सेगमेंट का जो रेशियो और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, लाइन सेगमेंट में हम लोग सम ऑफ रेशियो ले रहे हैं, यहाँ पे सम ऑफ रेशियो नहीं लेना है, यहाँ पे क्या करना है, जो बड़ा है नंबर वही लेना है। तो 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, 3। सो 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, अभी मान लो 4/5 है, सो हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, 5। अगर मान लो 7/3 है, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, 7। बड़ा नंबर देखना है कहीं पर भी हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एंड इफ सपोज वी हैव 5/7, देन 7। ओके, अगर 5/3 है तो 5। गुड, सो विल स्टार्ट विथ कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल यूजिंग BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इन तीनों का यूज करके एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सपोज मैं एक ट्राइंगल ऐसी रफली बना लिया, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, ओके, A B C, उसके बाद आई हैव टू ड्रॉ वन एक्यूट एंगल यहां पर। नाउ
जस्ट नाउ वी डिस्कस दैट हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स थ्री इक्वल पार्ट्स वन टू थ्री ओके दिस इज द रफ फिगर ओनली अभी इसका फेयर करेंगे और फिर मैं एनिमेशन भी दिखलाऊंगा इसको बी वन बी टू बी थ्री और व्हाट इज द डिनोमिनेटर हियर डिनोमिनेटर में क्या है थ्री सर थ्री थ्री जो भी डिनोमिनेटर में है उसको सी से ज्वाइन करना है ज्वाइन कर दिए और जो न्यूमरेटर में है वहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है सो यहां से जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करना है दोनों आर्क ड्रॉ करना है फिर यहां से मेजर करके कट करना है सो दिस विल इंटरसेक्ट बी सी एट सी डैश फिर यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो ये हो गया ए डैश सो यहां पे भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे आर्क ड्रॉ करेंगे फिर मेजर करके यहां से कट करेंगे ठीक है सो थ्री इक्वल पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन बी एक्स दिस इज बी एक्स बी वन बी टू बी थ्री ज्वाइन बी थ्री सी और फिगर देख लो बी वन बी टू बी थ्री को ज्वाइन किए फिर बी टू से पैरेलल लाइन ड्रॉ किए विच इंटरसेक्ट बी सी एट सी डैश एंड थ्रू सी डैश अगेन पैरेलल लाइन इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट ए बी एट ए डैश ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू ड्रॉ ट्राइंगल ठीक है वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ट्राइंगल सो ड्रॉ बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फर्स्ट उसके बाद 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बच गया सो 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर रहे हैं विद सेंटर बी विद सेंटर सी वी विल ड्रॉ 5 सेंटीमीटर सो बोथ विल इंटरसेक्ट एट ए जॉइन ए बी एंड ए सी सो हम लोग को ट्राइंगल मिल गया ट्राइंगल मिलने के बाद मैंने कहा था कि यू हैव टू ड्रॉ व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू ड्रॉ एक्यूट एंगल वन एक्यूट एंगल सो ड्रॉ कर दिए उसके बाद हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स थ्री इक्वल पार्ट्स बी वन बी टू बी थ्री देन द डिनोमिनेटर इज थ्री सो वी विल जॉइन बी थ्री टू सी फिर हम लोग को बी टू से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है सो एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से फिर बी टू से भी सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ करेंगे फिर ये मेजर करेंगे हम लोग मेजर करके फिर यहाँ से कट करेंगे देखो नाउ जॉइन दिस टू पॉइंट्स सो वी गॉट द पैरेलल लाइन विच इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट सी डैश अगेन वी विल यूज द सेम प्रोसीजर सी से आर्क ड्रॉ करेंगे द सेम आर्क वी विल ड्रॉ विथ सेंटर सी डैश फिर ये वाला आर्क मेजर करके यहाँ से कट कर देंगे देन जॉइन दिस टू लाइन्स सो विच इंटरसेक्ट ए बी एट ए डैश सो ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल एनी डाउट नो सर ओके नो सर सो नाउ वील मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन ओके दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री Construct a triangle with sides 5 cm, 6 cm and 7 cm. Then another triangle whose sides are 7 by 5 of the corresponding sides of the first triangle. So how many equal parts we have to do here? 7. 7. Okay. Bada number 7 hai. Okay. So we'll start with the first. Draw a triangle with center, triangle with sides 5 cm. 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर ठीक है तो एक ट्राइंगल हम लोग यहाँ पे रफली बना लिए एक कोई भी ऐसे ओके दिस इज ए बी एंड सी दिस इज रफ डायग्राम ओनली सो यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर रहा हूं मैं हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स 7 सो 1 2 3, 4, 5, 6 and 7. So, ये B7 है. Now, what is the denominator here? 5. So, मैंने बताया था C को denominator से join करना है. So, B5 से join करेंगे. Join कर लिए. अभी numerator से parallel line draw करना है. Numerator में क्या है? 5. 7. Numerator 7. 7 है. 7 से अगर हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सो ये बाहर की ओर जा रहा है तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा
So if you extend, it will intersect at C dash. Again, you have to draw a parallel line. Parallel to CA, which will intersect the produced, the extended BA at A dash. So A dash B C dash is the required triangle. Okay, so अभी ये हम लोग fair कर लेते हैं. This one, A B C is a triangle. Acutangle draw किए हैं, 7 equal parts. B 5 को C से join किए हैं, right? और B 7 से parallel line draw किए हैं, फिर C dash से parallel line draw किए हैं. So it will intersect the extended line BA at point A dash. Okay, so we'll see the steps. Ray BX making an acute angle with BC is drawn opposite to vertex A. 7 points as B1, B2, B3, B4, B5, B6 and B7 are marked on BX, and points B5 is joined with C to draw B5C. B7 C dash is drawn parallel to B5 C, and C dash A dash is parallel to CA. Okay, steps देखते हैं एक एक करके. सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, we are going to draw the triangle. Okay, so let us start with the side BC is equals to 7 cm. So 7 cm हो गया. उसके बाद 5 cm का radius, फिर 6 cm का रेडियस, बोथ विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए. ओके, सेन वी विल जॉइन ए बी एंड ए सी, सो विल गेट द ट्राइंगल. ट्राइंगल मिल गया. नाउ आफ्टर गेटिंग द ट्राइंगल व्हाट वी विल डू, वी हैव टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल सी बी एक्स. ओके, नाउ 7 इक्वल पार्ट्स, सो विल स्टार्ट विद बी वन, B2, B3, B4, B5, B6 and B7. Okay, and then we will join. Next, what we will do, we will join B5 to C. उसके बाद हम लोग को B7 से parallel line draw करना है, तो एक arc draw करेंगे. The same radius arc we will draw from B7. फिर इसको मेजर करके यहां से कट करेंगे, कट कर दिए, फिर इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग. ज्वाइन करने के बाद बीसी को एक्सटेंड करेंगे, तो वो दैट विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी डैश. नाउ थ्रू सी डैश व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अनदर पैरेलल लाइन. सो यहां से आर्क ड्रॉ किए विद सेम रेडियस, वी हैव ड्रॉन आर्क फ्रॉम हियर ऑल्सो. उसके बाद हम लोग ये आर्क को मेजर करेंगे, वी आर मेजरिंग द सेम आर्क, वी विल कट हियर, देन वी विल जॉइन सी डैश टू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. फिर से बी ए को एक्सटेंड करेंगे, तो वो ए डैश पे इंटरसेक्ट करेगा. सो ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ओके, एनी डाउट हियर? नो सर. ओके, सो नाउ This is the last question of today's session, and for this I have not kept any assignment question, right? So that's all for today's session. Thank you very much.